ठीक चलता रहता है। ये कूटनीति है, उनके जमाने में कूटनीति विफल थी, हमारे जमाने में कूटनीति सफल। भारत ऐसा देश है, नेपाल में भी अगर भूकंप आता है तो सबसे पहले भारत के डॉक्टर, भारत के हवाई जहाज, भारत की स्वयंसेवी संस्थाएं नेपाल में जाकर काम करती हैं। ये वही श्रीलंका है जहां स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जूता मारा गया, और वही श्रीलंका है जहां नरेंद्र मोदी को पलक पावड़े बिछाकर आसमान पर बैठा गया। ये अंतर ऐसे समझना पड़ेगा। लेकिन आप सभी रहे, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान कल घर के मुखिया बनेंगे, लेकिन घर अगर बिगड़ा हुआ हो तो क्या उसे एक दिन में ठीक किया जा सकता है? कहां कहां से चोरी हो रही है, उन सारे रास्तों को बंद करने का काम। मध्य प्रदेश में बसों की फिटनेस चेक करो, इमरजेंसी गेट है कि नहीं है तय करो, लाइट है कि नहीं है तय करो, खिड़की के कांच है कि नहीं तय करो। अब बस वाले तो चाय जैसा चला रहे हैं, हमारे पैसेंजर पसीना बहाते गिरते पड़ते चले जा रहे हैं, मजबूरी है, कहां जाएं, जाना तो है। उन्होंने कहा नहीं, बसें ठीक होनी चाहिए। ये निर्णय करने का काम अगर कोई कर रहा है तो मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी कर रही है और केंद्र में भी कर रही है।